मेरे पास पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है, मैं क्या करूं? ऐसा है भाई, इन बहानों से बाहर निकलो और जापान से सीखो। क्या आपको पता है कि जापान की ज्योग्राफी दुनिया की सबसे घटिया ज्योग्राफी है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी के मामले में वो दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश है। जी हाँ गाइज, जापान चार टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बसा हुआ एक देश है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप और सुनामी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही नहीं, अकेले जापान में 100 से ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है, जो कि दुनिया भर के ज्वालामुखी का 10% है। वहीं यहाँ की जमीन का 70% हिस्सा पहाड़ और पठार से घिरा हुआ है और बस सिर्फ 12% हिस्सा ही ऐसा है जहाँ खेती की जा सकती है। और तो और, जापान में गैस, ऑयल, कोयला और मिनरल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की भारी कमी है, लेकिन फिर भी ये दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, जिसका साफ मतलब ये निकलता है कि साधनों की कमी आपकी सफलता निर्धारित नहीं करती, बल्कि आप उन उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं सफलता इस पे निर्भर करती है। तो बहाने बनाना बंद करो और आगे बढ़ो। गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, तो आपने बॉलीवुड का ये पुराना गाना मेरा दिल ये पुकारे आजा जरूर सुना होगा, और इस पर डांस करते हुए लड़की सोशल मीडिया पर रातों रात सेंसेशन बन चुकी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिरकार ये लड़की है कौन? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये लड़की पाकिस्तान की आयशा है, और इस वीडियो में वो किसी मेहंदी फंक्शन में डांस कर रही है, जिसमें उसके किए गए पुराने गाने पर बेहतरीन डांस मूव्स लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। इतने पसंद आ रहे हैं कि जब इस लड़की ने इस वीडियो को पोस्ट किया था, तो उसके पहले इंस्टाग्राम पर उसके मात्र 68,000 फॉलोवर्स थे, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद उसके फॉलोवर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और वो लगभग 2,62,000 पार कर चुके हैं। वैसे गाइस, और क्या आप भी इन डांस मूव्स को कॉपी कर रहे हैं और एक वीडियो बना रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अब तक आपने भेड़ चाल के ऊपर कई मुहावरे सुने होंगे, लेकिन यहाँ तो भेड़े सीधी चाल ना चलकर गुलाई में चले जा रही हैं, और वो भी एक या दो दिन से नहीं, बल्कि पूरे 12 दिन से, और वो भी भूखी प्यासी। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। वैसे ये वीडियो चीन के इनर मंगोलिया का है और इसे पीपल्स डेली चाइना ने जारी किया है, और इसके बाद से लोगों के रिएक्शन आने चालू हो गए। कुछ का कहना है कि ये किसी बुरी घटना का संकेत है, तो कुछ ये मानते हैं कि भेड़ों का ऐसा करना नॉर्मल बर्ताव नहीं है। इस वीडियो के बारे में भेड़ों की मालकिन का कहना है कि ये कुछ भेड़ों से शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते फार्म की सारी भेड़ें इसमें शामिल हो गई। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या ये किसी बुरी दुर्घटना का संकेत है या फिर ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगली वीडियो में।